और आपने एक चीज नोटिस नहीं किया होगा, एक्चुअली किचन में तो मैंने सारा चीज दिखा दिया, बट मेरा सिलेंडर कहाँ पे है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू ब्लॉग्स। और मैं आज आप लोग के साथ अपना किचन टूर वीडियो शेयर करेंगे। तो एक्चुअली हमारा पैरेलल किचन है, तो चलिए हम दिखाते हैं कि हमने किचन को किस तरीके से अरेंज किया है। और किचन का जो यहाँ पे ओपन स्पेस है, यहाँ पे ये वुडन का स्ट्रिप हमने लगवाया है और यहाँ पे कुछ छोटी सी लाइट्स लगी हुई है। हमारा पैरेलल किचन है, ये दोनों साइड काउंटर टॉप है और ये हमारे फ्रिज है और राइट हैंड साइड पे ये यहाँ पे डोर है जो कि ड्राई बालकनी है। इधर ड्राई बालकनी है ये। अभी एक्चुअली ये थोड़ा सा मैसी सा हो रखा है। और ये हमारा राइट हैंड साइड पे फ्रिज है, इसमें थोड़ा सा ओपन करके दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये हमारा वेजिटेबल बॉक्स है और यहाँ पे 1-2 ऐसे स्लैब्स है और कुछ यहाँ पे फेसबुक रखने का बना हुआ है। और ये फ्रीजर है, तो इसे भी मैं फ्रिज में कन्वर्ट करके रखी हूँ। एक्चुअली फ्रीजर का ज़्यादा यूज नहीं है हमारे पास, तो इसमें भी हम सामान रख सकते हैं। अगर जब फ्रीजर में करना है तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारा, तो दोनों साइड ये हमारा प्लेटफॉर्म आता है, ये हमारा कुकटॉप है इधर और इधर सर्विस प्लेटफॉर्म है। तो पहले मैं सर्विस प्लेटफॉर्म के साइड की चीज़ें मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये माइक्रो ओवन का स्पेस दिया गया है जो कि डिनर वालों ने यहीं पे इसके स्पेस बनाया है। और इसके ऊपर यहाँ पे हाइड्रोलिक वार्डरोब है जिससे कि सारा माइक्रो ओवन से रिलेटेड सारा सामान इसमें रखा हुआ है, जो भी इससे चीज होने वाले जो भी इसमें सारी चीज यूज होता है वो चीज़ें हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट ड्रॉअर आता है जिसमें कुछ बच्चों का यहाँ पे पीडियाश्योर हॉर्लिक्स और नीचे में कुछ डेली यूज होने वाले स्पाइस सब जो होते हैं मसाले वगैरह वो है। उसके बाद यहाँ पे दो हाइड्रोलिक है ये जो कि दोनों में ग्लास लगा हुआ है और ग्लास का जो यहाँ पे कलर है ये हमारे लेमिनेशन से मैच करता हुआ है। पता नहीं कैमरे ये कैच कर पा रहा है कि नहीं, बट ये लेमिनेशन से मैच करता हुआ है ग्लास। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है जो कि ऊपर में कुछ कम यूज होने वाले सामान है, सैंडविच मेकर और एक्स्ट्रा ग्लास कप ये सब चीजें रखी हुई है। उसके बाद मैं नीचे वाली में आती हूँ, इसमें कुछ कांच की बोतलें और कुछ किचन्स टॉवल नैपकिन ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे रखे हुए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं टिश्यू पेपर ये सब चीज़ें हैं इसमें। ये आता है सबसे लास्ट में है ये ड्रॉवर। यहाँ पे एक्चुअली दो इस टाइप का बनाया गया है, इधर और इधर इस टाइप का, और इसके बीच ये हाइड्रोलिक वाली दो है। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके के हैं, ऊपर कुछ क्रॉकरी के सामान रखा हुआ है, ग्लास कप जो कि बहुत कम यूज होता है, नीचे कुछ डब्बे हैं ऐसे पीडियाश्योर वगैरह जो ख़त्म हो गए हैं जिसमें मैं कुछ दाल और भी कुछ कुछ चीज़ें रखा हुआ है, ये सब चीज़ें जो कि बहुत कम यूज होता है। उसके बाद ये ऊपर की है, तो ऊपर एक्चुअली मैं हाथ नहीं जा रहा है बट मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे दो डोर हैं और दो में हाइड्रोलिक लगा हुआ है, तो मैं थोड़ी सी ऐसे ओपन करके दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके की हाइड्रोलिक है जिसमें बड़े बड़े सामान हैं किचन के वो सब हैं और भी एक्स्ट्रा सामान कार्टन वगैरह वो रखे हुए हैं। उसके बाद ये ग्लास लगा हुआ आपको दिख रहा होगा ये लंबा सा, तो ये हमने यहाँ पे लगवाया जो कि बहुत ही यूजफुल है, ये इसका बहुत काम है। तो यहाँ पे कुछ कॉफ़ी मग, अंसी के दूध के मग, सॉरी कप और कुछ स्पाइस के मसाले हैं जो कि डेली यूज में आते हैं, तो इस तरीके की कांच की जैसे आपको दिख रहा होगा। ये हमें बहुत अच्छा लगता है ट्रांसपेरेंट क्योंकि इसमें पता चलते रहता है कौन से मसाले किस में रखे हुए हैं। कुछ हमारे कप्स हैं जो कि डेली यूज होता है और इधर चीनी, चाय पत्ती, कुछ दालें वगैरह हैं जो इस टाइप के डब्बे में मैं लेबल लगा के रख रखी हूँ इस तरीके का। अभी कुछ के हट गए हैं लेबल यहाँ पे, तो इस तरीके का है ये और ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये खासकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर यहाँ से मैं आती हूँ, यहाँ पे हमारा एक क्यूट सा मटका है छोटा सा, ये मैं चॉकलेट बेलन के लिए यहाँ पे स्टिक कर रखे हैं, ये होल नहीं करवाए हैं हम इस टाइल्स में, ऐसे इस टाइप के हुक जो कि मैं एक वीडियो में बताए भी थे, हुक ऐसे चिपका कर उसके बाद ये लगा रखे हैं। यहाँ पे बोर्ड है और इधर हमारी मिक्सी है, तो एक्चुअली आपको ये वायर दिख रहा होगा, तो हाँ इसकी बोर्ड वहाँ से आया है क्योंकि इस साइड कोई पॉइंट था नहीं, तो हमने यहाँ से ही इसे लगा के रखा है।
और ये बिल्कुल खाली रखते हैं इस कॉन्ट्रेक्टर को, क्योंकि ये सभी स्टॉक है, तो इसे खाना बनाने के बाद इस पर सारी चीज़ें रखकर हम यूज करते हैं, खाना वगैरह निकालते हैं। कुछ ये हैं चमचे के इस टाइप के जो कि यहाँ पे रख रखते हैं, ईजी होता है। कुछ बॉटल्स हैं, मग हैं हमारे। उसके बाद आते हैं हम नीचे की तरफ, तो नीचे मैं दिखाती हूँ। ये है एक वार्डरोब, तो इसमें हमारे बड़े बड़े हैं इस टाइप के बड़े बड़े दाल, कुछ बड़े डब्बे हैं दाल चावल के जो। उसके बाद इधर ये टैंडम बॉक्स है जो कि छः इधर है, टोटल 12 टैंडम बॉक्स है, जो कि मैं पहले इधर साइड की दिखाती हूँ। तो सबकी हाइट एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा कम करके है। तो इधर कुछ ऊपर कप प्लेट्स हैं, इसमें कुछ पैकेट्स वाले इस टाइप की चीज़ें हैं बचे हुए, जो डी मार्ट वगैरह से लाते हैं वो इस तरीके के रखे हुए हैं। इसमें मैं कुछ बड़े बर्तन हैं जैसे एक दो वो रख रखे हैं। आती हूँ नेक्स्ट में, तो इसमें कुछ इस टाइप के डब्बे हैं इस हाइट में जो आ सके, तो उस तरीके के डब्बे मैं रख रखी हूँ जो कि डेली यूज में आता है ये सब। यहाँ पे भी कुछ उससे बड़े डब्बे जो हैं वो मैं रख रखी हूँ। और ये नीचे भी हमारे सब डी मार्ट के सामान जो आते हैं एक्स्ट्रा बचे रहते हैं वो सब चीज़ें इसमें रखे होते हैं। उसके बाद ये है इधर, तो ये सिंगल है बिल्कुल, इसमें है कि इतनी ऊंची हाइट की जो भी डब्बे हैं वो रख सकते हैं। तो इधर हमारे आटे के डब्बे हैं और डेली यूज में जो राइस होता है वो सब, ये सब चीज़ें हम इधर रख रखे हैं। ये फुल हाइट है तो इसमें और भी बड़े डब्बे हम रख सकते हैं बट ऐसा। उसके बाद आ गए हैं मेन काउंटर टॉप पे, तो इसमें हमारा ये गैस स्टॉव है रखा हुआ, जो कि आप पहले वीडियो में भी देखे होंगे ये हमारा गैस स्टॉव, तो ये पुराने वाले हैं। और गैस स्टोव के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक एग्जॉस्ट है, पहले मैं इधर साइड की बता देती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ये विंडो है, बहुत बड़ी सी विंडो है ये, आप देख सकते होंगे इस टाइप का। तो हमें यहाँ पे कभी ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे चिमनी लगाने का ज़रूरत होगा, बाद में कभी देखा जाएगा, बट अभी तक तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी काफ़ी बड़ी विंडो है, यहाँ पे एग्जॉस्ट भी है। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 6 टैंडम बॉक्स इधर है और 6 टैंडम बॉक्स इस साइड है, तो इस साइड में क्या क्या रख रखी हूँ। ये कटलरी सेट है जो कि यहाँ पे सारे इस टाइप के रखे हुए हैं। सेकंड में ये प्लेट्स के लिए स्टैंड है और कुछ इस टाइप के बर्तन हैं जो कि। उसके बाद ये थाली की है, थाली स्टैंड है इस साइड, और इस साइड कुछ बड़े बर्तन रखने का है बट ये मैं खाली रख रखी हूँ इस साइड। ये है नेक्स्ट, इसमें मैं छोटी छोटी कटोरी रख रखी हूँ जो इस हाइट की कटोरी है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे रख रखी हूँ। उसके बाद यहाँ पे है इस हाइट की है कटोरी, छोटे कुकर, इसके नीचे है जो सबसे बड़े बड़े बर्तन होते हैं भगोने, इडली स्टैंड, कढ़ाई वगैरह जो भी है इसमें सारी चीज़ें रखा हुआ। और इस साइड जो है, इस साइड मेरा ये डस्टबिन होल्डर है और यहाँ पे कुछ किचन से रिलेटेड जो सामान होते हैं वो सब रखे हुए हैं। और इस साइड में ये ऐसे पहले मेरा रखा हुआ था पुराना, तो मैं यहाँ पे साइड में रख रखी हूँ, जब भी कभी कोई बर्तन धोने का होता है तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ग्लास वगैरह पानी निकल जाता है तो फिर मैं इसे सेट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा ये है, फिर यहाँ पे कुछ स्पून की रख रखी हूँ मैं, कुछ यहाँ पे चाकू वगैरह के लिए ये रख रखी हूँ जो कि ईजी होता है हमें। और इस साइड हमारा ये फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर भी हमारा पुराना ही है, आप देखे होंगे पिछली वीडियो में, तो वो हम यहाँ पे लगा रखे हैं फिल्टर। और यहाँ पे एक छोटा सा मेरा ये टॉवल है, टॉवल के लिए स्टैंड लगा रखे हैं ये हैंगिंग के लिए, तो काफ़ी क्यूट सा दिख रहा है। और एक्चुअली यहाँ पे हम नल भी चेंज किए थे, क्योंकि नल जो हमारा डीलर ने दिया था तो वो मुझे पसंद नहीं था, तो हमने ये सेरा का नल लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट है ये और बहुत अच्छा सा होता है, ये बहुत स्मूथ पानी निकलता है, ये हमारा नल है। और यहाँ पर एक छोटी सी वाइपर है, किचन का फैन है, ये सीलिंग फैन है जो कि बहुत कम यूज होता है, क्योंकि अगर आप खाना बना रहे हो तब तो ये यूज होगा नहीं, खाना बनाने के बाद सपोज आप किचन वगैरह क्लीन किए हो तब ये यूज होता है, तो ये हमारा फैन लगा। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम बता रहे हैं, ये हम लोग को बिल्डर एक्चुअली हर एक जगह लगा कर दिया है, तो ये फायर पाइप है जो कि हम जिप्सम से कवर करवा दिए हैं, सिर्फ हम ये रेड कलर की जो बल्ब जैसा दिख रहा है इसे ओपन रखे हैं कि यहाँ से अगर सपोज कभी आग वगैरह लग जाए तो यहाँ से पानी निकलने के लिए। तो
और आपने एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगा, एक्चुअली किचन में तो मैंने सारा चीज़ दिखा दिया, बट मेरा सिलेंडर कहाँ पे है, तो हमने सिलेंडर एक्चुअली ड्राई बालकनी वाले जो एरिया है वहाँ पे रख के, क्योंकि अगर हम सिलेंडर के लिए स्पेस किचन में बना देते तो फिर मेरा इतना टैंडम बॉक्स नहीं आता, तो इसलिए मेरे पास इतनी जगह थी कि हम उसे बाहर की साइड रख सकते थे, क्योंकि मेरा बहुत ही अच्छा से ड्राई बालकनी किचन से अटैच है, तो मैं पीछे की साइड सिलेंडर रखें, तो इसके कारण हमें किचन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया, जिसकी वजह से मेरे इतने सारे टैंडम बॉक्स मिल गया। और हाँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे पैरेलल किचन बनवाना चाहिए या लेना चाहिए, यहाँ पे फ्लैट में दोनों ऑप्शन था, तो बहुत मैं कंफ्यूज थी, बट फाइनली हम लोग ने जाकर ये फ्लैट सेलेक्ट किए हैं और इसमें हमें पैरेलल किचन मिला। तो पैरेलल किचन का ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपको स्टोरेज ज़्यादा मिल जाएगा। अब देखो, फ़ायदा और चॉइस होती है अपनी अपनी, किसी को हो सकता है एलसेप ज़्यादा पसंद हो, बट एलसेप में थोड़ा सा कम स्पेस मिलता है, उसमें वेस्टेज एरिया ज़्यादा जाता है, बट पैरेलल किचन का बहुत ही अच्छे से स्पेस का यूटिलाइज होता है और बहुत ज़्यादा इनफ सफिशियंट स्टोरेज बनाने का स्पेस मिल जाता है। तो मुझे तो पैरेलल किचन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा लगने लगा है खासकर। तो बस ये था हमारी किचन टूर की वीडियो, तो उम्मीद करूँगी मेरी वीडियो पसंद आएगा आप लोग को, अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।